जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी YouTube चैनल फ्री नॉलेज 1998 पर। दोस्तों, हम अपने चैनल पर डेली जीके के क्विज लेकर आते हैं, जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि डेली क्विज आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल सके। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं हमारे चैनल पर, जो कि आगामी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपके लिए हम जीके, जीएस, हिस्ट्री और करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए। तो दोस्तों, ध्यान से ये क्विज को खेलिएगा, और दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने गलत होते हैं आप हमें कॉमेंट बॉक्स पर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय कृषि छात्र संघ द्वारा हाल ही में किसे हरित रत्न पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है। इसका आंसर है दोस्तों डॉक्टर एन कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा हाल ही में किसे 2019 ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड चुना गया है? ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसका आंसर है दोस्तों संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, टॉयलर पुरस्कार 2020 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसका आंसर है दोस्तों पवन सुखदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड हाल ही में किस भारतीय महिला को मिला है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। इसका आंसर है दोस्तों रानी रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, दूसरे गौरी लंकेश पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। दोस्तों, इसका आंसर होगा यूसुफ जीमल। तो ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों यूसुफ जीमल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस देश ने हाल ही में सर्वाधिक ऊंचाई पर फैशन शो आयोजित करने ग्रीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसका आंसर है दोस्त साथियों फरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने फरवरी 2020 में किसकी आत्मकथा का विमोचन किया? आपको ऑप्शन स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है। इसका आंसर होगा साथियों यशवंत सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारतीय बैंक संघ के नए सीईओ हाल ही में कौन बने हैं? ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है। इसका आंसर होगा साथियों सुनील मेहता। बैंक संघ के हाल ही में सीईओ बने हैं सुनील मेहता। लास्ट क्वेश्चन है साथियों, शेख खालिद बिन अब्दुल अजीज अल थानी हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, आपका टाइम स्टार्ट होता है। इसका आंसर होगा साथियों कतर। शेख खालिद बिन अब्दुल अजीज अल थानी कतर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर देना होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, 29वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है?
ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। साथियों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है, इसका राइट आंसर क्या है। साथियों, आशा करता हूँ आपको मेरी इस वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों, ऐसे ही डेली डेली जीके के क्विज खेलते रहिए और अपने जीके को स्ट्रॉन्ग बनाइए। दोस्तों, मैं जल्द ही अपने चैनल पर करंट अफेयर के भी वीडियो डालूंगा, डेली करंट अफेयर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। और मैं अभी NTPC और जो आगामी पेपर है उनके प्रीवियस पेपर भी डालूंगा और आपके प्रैक्टिस सेट भी डालूंगा। तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे डेली क्विज मिलती रहे और आप अपनी जीके को स्ट्रॉन्ग करें। और दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब जो अपडेट आती है, मैं उसकी अपडेट अपने इस वीडियो पर डालता रहता हूँ, अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।